नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल बाजार में तेजी होगी या गिरावट बढ़ेगी इसके बारे में हम डिस्कस ही नहीं करेंगे क्योंकि वेस्ट ऑफ टाइम है, कुछ बनती ही नहीं है। दोस्तों पोजीशन क्या डिस्कस करें आप सभी के साथ, तेजी के लिए कोई पैरामीटर दिखता नहीं है और मंदी की बात करके मिलेगा क्या। सिंपल है, लेवल्स नीचे की तरफ खुले हुए हैं लेकिन 23,900 के ऊपर बंद होना ये ठीक था। ज्यादा नेगेटिविटी जो आने वाली थी वो बच गई है, ये बोल सकते हो आज आज के लिए। और कल की बात करें तो कल वैसे ही बहुत स्पेशल डे है, इनफैक्ट केवल कल ही नहीं अब आने वाले 3-4 ट्रेडिंग सेशंस आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाले हैं। इस वीक के 4 ट्रेडिंग सेशन है, चारों स्पेशल हैं। और अगर एक फैसला गलत पड़ गया तो ये मान लो ये 4 की जगह 14 में बदल जाएंगे, यानी फिर अगले 10-12 ट्रेडिंग सेशन आपके लिए स्पेशल हो जाएंगे। अब एक एक करके शॉर्ट और सिंपल लैंग्वेज में आगे का पाथ शेयर करता हूं आप सभी के साथ। दोस्तों लेवल्स को डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ इतना बोलूंगा ऊपर में 24,300 जो आज का हाई है 316 का, इसको जरा नजर में बना के रखिएगा। जब तक ये ऊपर में ब्रेक ना हो तब तक ये मान लो कि 23,300 किसी भी दिन किसी भी वक्त आपके लिए आ सकता है, सिंपल। और अगर 23,800 के नीचे आप निकले तो फिर हो सकता है उसी दिन या उसके अगले दिन 23,300 आ जाए। वॉलेटिलिटी के लिए पूरी तरीके से अपने आप को रेडी रखना, अपने माइंड को रेडी कर लो कि मार्केट किसी भी वक्त 300-400 पॉइंट नीचे और वहां से 400 पॉइंट ऊपर हो सकता है। ये वॉलेटिलिटी आप अपने दिमाग में बैठा के रखिए, कोई भी सौदा करने से पहले ये सोच लेना शायद यहीं से ना घूम जाए, और अगर घूमता है तो मैं कैसे अपने आप को मैनेज करूंगा। ये अपना डिसिप्लिन पक्का रखना भाई, अदरवाइज पूरा पैसा खोके चले जाओगे बाजार में, बता रहा हूं। तो गलत पड़ने पे कितना लूज करोगे ये कैलकुलेशन आपकी पूरी होनी चाहिए, दैट्स इट, ये मैं कहना चाहता हूं। अब मैं ये सब क्यों कह रहा हूं, क्यों मैं डायरेक्शन को डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं, क्या मेरे को मार्केट समझ में नहीं आ रहा? मेरे को आ रहा है भाई साहब, पूरी तरीके से आ रहा है, लेकिन डिसाइड इसलिए नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि यहां खेल हो रहा है इवेंट्स का। अब सुनिए इवेंट, कल आपके लिए यूएस इलेक्शन डे है भाई साहब, अमेरिका में कल होगी वोटिंग और कल ही काउंटिंग भी होगी, लेकिन रिजल्ट आएगा परसों सुबह भारत के हिसाब से देखा जाए तो। मार्केट परसों रिएक्ट करेंगे अमेरिका के रिजल्ट्स पे, लेकिन अमेरिका कल रिएक्ट करेगा, कल 7 बजे जब 8 बजे जब अमेरिका खुलेगा तो वहां वोटिंग चल रही होगी एक तरीके से, तो मार्केट वहीं पे उसी के हिसाब से ऊपर नीचे कर रहे होंगे। हम लोग जब बुधवार को खुलेंगे तो हम अमेरिका के बाजार पे अमेरिका के इलेक्शन रिजल्ट्स पे ट्रेड करते हुए दिख सकते हैं। अब इन सब में एक चीज जो मैं नहीं चाहता हूं, जो बाजार नहीं चाहता है, वो क्लियर है भाई साहब, ये कि मार्केट ऐसा ना कर दे कि रिजल्ट ही पेश ना करे, बस ये नहीं होना चाहिए, बाकी सब सह जाएंगे। कम से कम बुधवार की सुबह बुधवार की दोपहर तक ये जरूर पता चल जाए कि भैया हैरिस या ट्रंप साहब जो भी हैं सामने आ जाओ, बस। अगर यही पता नहीं चला तो ये मार्केट के लिए सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा क्योंकि मार्केट अनिश्चितता नहीं झेल पाएगा भैया, ये जो मतलब एक तरीके से आप वेटिंग एरिया में चले जाएगा मार्केट कि भैया क्या होगा क्या होगा, इस चीज में मार्केट नहीं फंसना चाहेगा, मार्केट क्लियरिटी चाहेगा, ठीक है जी। तो हमें चाहिए इलेक्शन के बाद नतीजे कि कौन जीत रहा है, नतीजे आ जाए, चाहे वो ट्रंप साहब हो या हैरिस जी हो, जो भी है सामने आ जाए। अब जो भी होगा उस पर मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा ये अपने आप में एक सवाल है। मार्केट वैसे ट्रंप साहब को चाहता है, अब ट्रंप साहब के आने से ऐसा नहीं है मार्केट रॉकेट हो जाएगा, उस पर भी हो सकता है नेगेटिव चला जाए, तो इसीलिए मैं डिसाइड नहीं कर रहा हूं। एक एक करके चीजों को समझेंगे, एक एक करके चीजों को सेटल होने देंगे, उसके बाद तेजी मंदी डिसाइड करेंगे, ठीक है जी। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, 6 तारीख को जब हमारे बाजार अगर नतीजा आ गया तो रिएक्ट कर रहे होंगे, उसके अगले ही दिन 7 तारीख को अमेरिका में फेड पॉलिसी है, 8 तारीख को हम लोग रिएक्ट कर रहे होंगे जो कि फ्राइडे है, तो पूरा हफ्ता ऐसे ही जाएगा भाई, हर दिन एक बड़ा इवेंट है। तो क्या डिसाइड करें मार्केट के लेवल्स को बताओ, कुछ है ही नहीं, मोटा मोटी लेवल पे ही कर सकते हैं जो कर रहे हैं। अब आगे का सुनिए आप, सारी चीजें जब खत्म होंगी इस हफ्ते तो अगले हफ्ते मार्केट डायरेक्शन देने की कोशिश करेगा कि भैया ये सब हो गया, इन सब पे पॉजिटिव रहना या नेगेटिव वो अगले हफ्ते हमें समझ में आएगा, अगर सब कुछ सामने आ गया तो, ठीक है जी। उसके बाद हम डिसाइड कर पाएंगे नेक्स्ट वीक मिड में कि भैया किधर जाना है बाजार को, कौन से लेवल अब इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट। FIADIs के डेटा की बात करें तो FIIs रुकने थमने का नाम ले ही नहीं रहे हैं,
आज फिर से दोस्तों 4329 करोड़ की सेलिंग हो गई। आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक थॉट आता होगा, यार बहुत बेच दिया है और कितना बेचेंगे। ये थॉट गलती से भी मत लाना भाई साहब, क्योंकि इनके पास इतना माल है और इनसे भी ज्यादा रिटेलर्स के पास इतना माल है कि आप कहां से कहां तक बचोगे ये बताओ। रिटेल इन्वेस्टर भर भर के पैसा लगा चुका है मार्केट में, हर महीने 30-30 लाख डीमेट अकाउंट ओपन हो रहे हैं। जब ओपन हो रहे हैं तो फ्रेश कैपिटल आ रहा है मार्केट में, आईपीओ कंटिन्यू आते ही जा रहे हैं। तो आप ये समझ लो, ये मान लो कि रिटेल इन्वेस्टर भी डरा हुआ है, वो भी बेच रहा है और एफआईआई तो क्लियर कट खुल के बेच रहे हैं। तो आपके लिए एक सेलिंग नहीं है, दो सेलिंग है। और बाइंग डीआईआईज को छोड़कर कोई तैयार नहीं है करने को, डीआईआईज भी मजबूरी में कर रहे हैं क्योंकि उनको पास पैसा पड़ा है, पैसा आ रहा है तो लगाना पड़ेगा। और थोड़ा समय और ऐसे ही चला तो डीआईआईज के पास भी पैसे की तंगी आ सकती है, क्योंकि उनपे भी तो पैसा रिटेल का ही है और रिटेल इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में भी रिडम्पशन मार रहा है। ये सिचुएशन वर्स्ट सिचुएशन बन जाएगी अगर ऐसा कुछ हो गया तो, और उसमें हमें कोई नहीं बचा पाएगा, जो कि एक शार्प कट होगा। लेकिन ये सारी चीजें बहुत शॉर्ट, बहुत टेम्पररी होंगी, क्योंकि पैसे की मतलब सेलिंग से गिरावट या बाइंग से तेजी ये टिकाऊ नहीं होती। ये क्या है, आप फोर्स लगा के कर रहे हो, आप में स्ट्रेंथ नहीं है इंटरनली, आपने किसी और की पावर ली है, समझ रहे हो। वो पावर थोड़ी देर के लिए आएगी फिर चली जाएगी। एट द एंड मार्केट जाएगा इकोनॉमी की ग्रोथ पे, कंपनीज की ग्रोथ पे, और वो भारत के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत पॉजिटिव है। तो ये सारी चीजें जो भी होंगी ना दोस्तों शॉर्ट टर्म होंगी, लॉन्ग टर्म इनमें से कुछ नहीं दिखता। ये सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी हैं। अब थोड़ा सा रिजल्ट स्पेसिफिक भी बात कर लेता हूं। धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स के नंबर आए हैं और नंबर कहीं से कहीं तक अच्छे नहीं दिख रहे हैं। रेमंड्स के रिजल्ट्स आए हैं, बाटा इंडिया के नंबर्स आए हैं और बाटा इंडिया के नंबर भी खराब हैं। जेके पेपर के नंबर आए हैं और इसके रिजल्ट्स भी खराब हैं। तिलक नगर इंडस्ट्रीज के नंबर आए हैं और ये नंबर अच्छे लग रहे हैं। मनाली पेट्रोकेमिकल्स के नंबर बहुत ही खराब लग रहे हैं दोस्तों। पीएनजी के नंबर्स भी आते हुए दिखे हैं। प्रॉक्टर एंड गैम्बल्स की बात करें तो नंबर्स इसके अच्छे नहीं, बहुत अच्छे लग रहे हैं दोस्तों। आंध्रा पेपर के रिजल्ट्स भी बेहद खराब मिले, आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट अच्छा हो गया है, बाकी तो सब खराब लग रहा है। आईआरसीटीसी मैं स्लाइडली इनलाइन नंबर कहूंगा, लेट्स सी मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। एबीबी भी आप खराब लिस्ट में ही रख लो क्योंकि मार्जिन्स को छोड़कर सब कुछ टूट गया है। बाकी देखा जाए ग्लैंड फार्मा के नंबर्स आते हुए दिखे हैं, इसके नंबर्स भी आप कह सकते हो मिले जुले, अच्छे भी कह सकते हो, खराब भी कह सकते हो, जो मर्जी कह लो भाई साहब। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो रिजल्ट्स पे रिएक्ट करेंगे। कल के लिए एक बार रिजल्ट कैलेंडर भी देख लेते हैं, वीडियो ऑलरेडी स्ट्रेच हो ही गई है बट छोटा सा समय और लगेगा, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर ही दे रहा हूँ। हाँ, रिजल्ट कैलेंडर कल की बात करें दोस्तों, तो आज तो बड़े नाम जो थे वो सारे नंबर्स पेश कर चुके हैं। कल के लिए बड़ा नाम है टाइटन, गेल, मैनकाइंड फार्मा, डॉक्टर रेडी लैब, मैक्स हेल्थ केयर, मजगांव डॉक, पीबी फिनटेक, ऑयल इंडिया, बर्जर पेंट, एसजेवीएन, केपीआर मिल्स, सुंदरम फास्टनर्स, इसके तो रिजल्ट्स आई थिंक आज आ गए हैं, देखते हैं। टिमकेन इंडिया, एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस, वारे रिन्यूएबल्स, ईक्लक सर्विसेज, रेमंड लाइफस्टाइल, मन्नापुरम फाइनेंस, जेके टायर, एल्कल अमाइंस, सारेगामा, ये कुछ स्टॉक हैं जो कल अपने रिजल्ट्स पेश करेंगे। एंड यहीं पे इस वीडियो को भी करते हैं समाप्त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।